जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर स्पार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखो दोस्तों, सामने है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। बेस वेरिएंट की डिमांड आ रही थी बहुत दिनों से, ठीक है। अभी तक बेस वेरिएंट की मैंने कोई इसकी सिंगल वीडियो भी नहीं कवर की, तो आज दोस्तों सामने है बेस वेरिएंट अर्बन क्रूजर हाई राइडर का। ई के नाम से आता है दोस्तों, ई वेरिएंट के नाम से आता है, लेकिन सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी है दोस्तों। इसके अंदर इतने तगड़े तगड़े फीचर मिल जाते हैं बेस वेरिएंट में कि जो कंपनियां टॉप एंड में देती हैं और टॉप एंड में देने में भी हिचकिचाती हैं, उस तरीके के फीचर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या क्या फीचर मिलेंगे, सारी बात आज इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू, और सबसे पहले इसकी चाबी दिखा देता हूँ। भाई देखो, बेस वेरियंट है लेकिन चाबी देख रहे हो आप, चाबी आपको टॉप एंड वाली मिलेगी इस तरीके से। पीछे तो आपको ये टोयोटा का लोगो मिल जाता है, यहाँ गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। अब सामने का लुक देखो, इस तरीके का मिलेगा पूरा। अब एक बार इसकी एक्सोरूम पैजिंग वगैरह की बात कर लो। भाई ये जो बेस वेरिएंट है ना, ये बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, मेरी नज़र में तो बहुत वैल्यू फॉर मनी है। एक्सोरूम कीमत है 11,14,000 रुपये इसकी। 1.5 लीटर का K15B सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन है, 101 bhp की पावर, 136 न्यूटन मीटर का जो है इसके अंदर टॉर्क मिल जाता है, और माइलेज की बात करूँ तो 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है, ठीक है, बहुत सही मिल जाता है दोस्तों माइलेज वगैरह। अब देखो सामने फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ये DRLs भी हैं, और यहाँ पर बाईफंक्शनल कह सकते हैं, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी मिल जाएंगे। पैरेलल शेप में मिलते हैं कुछ इस तरीके से, उसके बाद यहाँ से लेके ये क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। बीच में आपको टोयोटा का लोगो दिख जाता है, उसके बाद यहाँ पर ये पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। नीचे की तरफ रेडिएटर ग्रिल देखें तो है तो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में, लेकिन हनीकॉम पैटर्न आपको यहाँ पर फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो इस तरीके से ये स्किड प्लेट आप देख रहे हो, डार्क सिल्वर कह सकते हो आप इसे। उसके बाद यहाँ हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट देख लो, प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप मिल जाता है, यहाँ पर ये ग्लॉस ब्लैक का टच मिल जाता है। साइड प्रोफाइल पे आ जाएं तो व्हील आर्चेज आप देख लो मैट फिनिश में मिलेंगे, अपोलो का टायर लगा हुआ मिल जाएगा, यहाँ 215/60/R17 की प्रोफाइल है, स्टील रिम मिल जाता है, इस तरीके का ये सेटअप मिलता है। ORVM देख लें तो उसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। पीछे यहाँ पर जो बी पिलर है ये ब्लैक टेप डाउट मिल जाएगा, और थोड़ा सा ब्लैक टेप डाउट आप सी पिलर पे भी देख सकते हैं इस तरीके से। अब देखो जी, बेस वेरिएंट में डोर रुक के सेंसिंग का ऑप्शन पहली चीज बहुत कम मिलता है देखने के लिए, रेयर केस में बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा अगर पीछे आ जाएं तो यहाँ पर ये टेल लाइट आप इस तरीके से सेटअप देख सकते हो पूरा, यहाँ पर ये जो है ये LED सेटअप मिल जाता है, यहाँ पर ब्रेक लाइट मिल जाती है, बाकी रिवर्स लैंप इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर नियो ड्राइव ई की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, और रिवर्स पार्किंग सेंसर बात करें तो 1, 2, 3 और 4 मिल जाते हैं दोस्तों रिवर्स पार्किंग सेंसर। उसके बाद यहाँ पर टोयोटा की बैजिंग मिल जाएगी, ये सिल्वर फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, ऊपर शार्फिन एंटीना ऐसा मिलेगा। अब एक काम करते हैं कि इसका जो टेल गेट है उसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम टेल गेट ओपन करते हैं, ये देखो जी यहाँ पर डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है। अगर कैपेसिटी की बात करूँ ऑलमोस्ट 328 लीटर के आसपास की कैपेसिटी है। पीछे वाली जो सीट्स हैं वो 60/40 में स्प्लिट हो जाती है। उसके बाद तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 3-पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, बहुत अच्छी बात है। बेस वेरिएंट में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन इसके अंदर आपको मिल रही हैं। स्पेयर व्हील बात करें तो यहाँ पर आपको रखा हुआ दिख जाएगा, और ऑलमोस्ट सेम साइज का ही आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है, कोई कटौती नहीं है। अगर आप चाहें तो स्पेयर व्हील को भी मेन व्हील की तरह यूज़ कर सकते हैं। टेल गेट पर प्रॉपर फिनिश मिल जाती है, इसे कर देते हैं बंद और आ जाते हैं दोस्तों इस तरफ, अंदर की तरफ चलते हैं, क्योंकि बाहर बाहर जो जो था वो सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर अब ट्रिम से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो है फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलती है, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ORVM मिल जाएंगे, और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर डोर हैंडल कुछ इस तरीके से, और ये सिल्वर फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर देखें तो मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर, एक स्पीकर ग्रिल आपको यहाँ मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर एक कमी है ना, जो वो सिर्फ इसकी है कि आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है और स्पीकर नहीं मिलते हैं। बाकी आप दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट देख सकते हो, फैब्रिक कुशनिंग देख सकते हो, बेस वेरिएंट में भी हाइट एडजस्टेबल देख सकते हो, तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल देख सकते हो। यहाँ से बोनट ओपन करना है, यहाँ से फ्यूल लाइट ओपन करनी है, और यहाँ पर हेडलाइट एडजस्ट करनी है। अब देखो जी, पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन बेस वेरिएंट में मिल रहा है, क्या चाहिए? बेस वेरिएंट में सुना है दोस्तों पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं आता दोस्तों, ये तो खैर अब छोड़ो। अब सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही इग्निशन ऑन करता हूँ, ये देखो जी
जगमग सा हो गया, चारों तरफ की लाइट जल गई इसकी। यहाँ पर आपको टैकोमीटर और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, टेम्परेचर गेज यहाँ मिलेगा और फ्यूल गेज यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद ये सीट बेल्ट के लिए आपको यहाँ पर वार्निंग वगैरह मिल जाती है, इस तरीके से मिल जाता है। इसको ट्रिप वगैरह को चेंज कहाँ से करना है, यहाँ से आप ये मोड वगैरह टॉगल कर सकते हो और ऐसे ही आप यहाँ से कर सकते हो, तो ये सेटअप आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं और यहाँ पर आपको हेडलाइट के कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पर भाई टेलीफोनिक कंट्रोल्स और ऑडियो कंट्रोल्स आप यहाँ पर जब भी सेट करवाएंगे तो करवा सकते हो इस तरीके से। वैसे वॉल्यूम अप और उसके तो पहले से ही दे रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टोयोटा का लोगो, यहाँ पर ये सिल्वर फिनिश मिल जाती है। फ्लैट बॉटम तो नहीं मिलता है, पूरा प्लास्टिक में मिलता है। टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है इसके अंदर। उसके बाद देखो यहाँ पर बेस वेरिएंट के अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है कोई भी। ये सबसे पहला काम होने वाला है कि भाई म्यूजिक सिस्टम आपको लगवाना पड़ेगा। उसके बाद ये देख रहे हो एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से। यहाँ पर हेजार्ड बटन के लिए भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है बेस वेरिएंट से। कितनी अच्छी बात है दोस्तों कि इस चीज को, और जैसे पोस्ट स्टार्ट स्टॉप का बटन है, इन्हें दोस्तों आफ्टर मार्केट करवाने में थोड़े से टेक्निकल इश्यू रहते ही रहते हैं, लेकिन ये चीज तो कभी हो ही नहीं सकती दोस्तों आफ्टर मार्केट। कंपनी ने बेस वेरियंट में ये सब सेटअप देखा ना, एक नंबर का काम किया है। ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, और नीचे की तरफ देखो तो यहाँ एक 12V का पोर्ट मिल जाता है और उसके बाद एक स्पेस मिल जाता है डिसेंट सा, यहाँ पर आप फोन वोन रख सकते हो। उसके बाद देखो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, यहाँ पर ये लेदर मिल जाएगा फिनिशिंग। यहाँ पर बात करें तो मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पर आपको ये क्रोम का यूज मिलेगा। नीचे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल रहा है भाई बेस वेरिएंट में, और स्लाइडिंग ऑप्शन है आर्मरेस्ट के अंदर, कितनी अच्छी बात है। उसके बाद देखो यहाँ डिसेंट सा स्पेस आपको देखने के लिए मिल रहा है, मतलब सभी कुछ भरा पूरा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये देखो ठीक ठाक स्पेस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ ये पूरा सेटअप मिल जाता है, ये सिल्वर फिनिश मिल जाती है, ठीक है। और अगर यहाँ पर सेफ्टी की बात करें तो 2 एयरबैग ABS CVT वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो ये देखो वैनिटी मिरर मिल जाएगा सनसेट के अंदर। उसके बाद ये लाइट आपको मिल जाती है इस तरीके से, ये माइक मिल जाता है, और यहाँ पर देखें तो मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये देखो भाई यहाँ भी सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर मिलता है विद इस तरीके से फ्लैप, ठीक है। ये है भाई फ्रंट केबिन का सेटअप, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया और दिखा दिया क्या क्या आपको फ्रंट केबिन में मिलने वाला है। अब एक काम करते हैं, इसकी जो सेकंड रो है ना वहां पर चल के देखते हैं वहां आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो आ जाते हैं यहाँ सेकंड रो में और करते हैं इसे ओपन। तो सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है, यहाँ पर एक पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है, ये देखो यहाँ डोर हैंडल्स क्रोम में। उसके बाद ये स्लीक सिल्वर फिनिश मिल जाती है। नीचे की तरफ देखें तो एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर स्पीकर ग्रिल मिलती है। अब देखो यहाँ से देखें तो देखो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3-point सीट बेल्ट दिख रही होगी वहाँ से निकलती हुई। उसके बाद देखो भाई बेस वेरिएंट में ये देखो कप होल्डर के साथ में आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है भाई मिडिल रो वाले पैसेंजर्स के लिए। और एक और धमाकेदार चीज़ दिखाऊँ, ये देखो जी पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सहूलियत के लिए AC वेंट भी मिलेगा भाई बेस वेरिएंट में। क्या ही चाहिए, क्या और क्या उम्मीद कर सकते हो आप बेस वेरिएंट मॉडल से किसी गाड़ी का। दोस्तों सब इसका बेस वेरिएंट ही लेंगे अगर लेंगे तो। ये देख रहे हो यहाँ पर ये इस तरीके से ये सेटअप है, यहाँ पर ये तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो गया। और यहाँ पर देख लो जी एक लाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी इस तरीके से, ये इसे ऑन कर देते हैं। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिख रहा होगा और पीछे से डैशबोर्ड वगैरह इस तरीके से दिख रहा होगा, ये डैशबोर्ड का सेटअप है, ठीक है। ऐसे ये लाइट आपको यहाँ भी मिल जाएगी, ये इस तरीके का सेटअप पूरा आपका मिल जाता है देखने के लिए। अब एक काम करते हैं, जो इसका बोनट है ना उसे खोल के दिखा देता हूँ, बोनट के नीचे आपको इंजन का सेटअप कैसा मिलेगा। भाई इसके अंदर जो है ना आपको स्मार्ट हाइब्रिड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है गाड़ी के अंदर। 45 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है कैपेसिटी। तो आ जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो देखो दोस्तों बोनट के नीचे आपको इंसुलेशन सीट लगी हुई मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये पूरी प्रॉपर फिनिश मिल जाती है इस तरीके से, पीछे भी आप देख सकते हो इंसुलेशन सीट वगैरह लगी हुई है, पूरा मतलब प्रॉपर सेटअप दे रखा है। यहाँ पर आप कूलेंट वगैरह बैटरी वगैरह देख सकते हो, यहाँ से आपको वॉशर फिल करना है, ठीक है। यह सेटअप है, इसे मैं कर देता हूँ बंद, और इसे बंद करने के लिए इस तरीके से बंद किया और आ गए दोस्तों पीछे की तरफ। सो फाइनली दोस्तों ये थी भाई टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर, और ई वेरिएंट था मतलब बेस वेरिएंट था हाई राइडर का। अब आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, लिख देना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अब एक चीज़ रह गई थी, वारंटी 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी और आपको इसके ऊपर अब देखने के लिए मिलेगी, और साथ में RSA तो फ्री मिलता ही है भाई कंपनी की तरफ से। तो अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।